आज हम लोग एक जनरल लव रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर की क्या थॉट्स चल रही है। अगर आपके पास में कोई पार्टनर नहीं है तो आप इसको एज अ फ्यूचर पार्टनर के हिसाब से देख सकते हैं, जिसके साथ आपकी कैसी कनेक्शन बन सकती है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो कोई क्रश है, कोई एक्स है, उसके लिए भी आप इसको देख सकते हैं। कोई भी एज ग्रुप का इंसान, कोई भी जेंडर के इंसान, कोई भी रिलीजन के इंसान, हर कोई देख सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, सो आपके जो पर्सन है ना, वो आपको तो प्यार तो करते ही हैं एंड बहुत ज़्यादा आपके तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड भी नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, दो कार्ड से बैलेंस का दिखा रहे हैं, तो अपने लाइफ में हर एक चीज़ को वो बैलेंस करके आपके तरफ आने की इच्छा रखते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि पर्सन अभी अपने फिनेंसिस के तरफ थोड़ी सी ज़्यादा फोकस्ड है एंड हायरोफिन की एनर्जी दिखाता है कि आपसे शादी करना चाहते हैं ना, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं। ओके, आई कैन सी आप लोग हो सकते हो थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो, या फिर आपको अच्छे से खुल के अपनी सारे दिल की बातें नहीं बोल रहे हैं। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नया बिगिनिंग आप लोगों में हो सकता है। एंड फ्रेश न्यू बिगिनिंग का नाम बताया, फूल का कार्ड भी आ गया। सो आई कैन सी अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग इज कमिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। बाई वेन वी कैन चेक दैट, येस इट कैन, इट इज़ जस्ट ऑन द वे, विद इन दी अपकमिंग फ्यू मंथ्स यू कैन एक्सपेक्ट दिस। अगले साल भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 से 4 महीने भी हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर दी पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, सो इसको क्लेम करने के लिए आप लोग नंबर 1818 लिख सकते हैं। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंड ये भी हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेट क्लियरली, परफेक्ट टाइमिंग। तो आपको कम्युनिकेट क्लियरली किसको करना है, भगवान को, उस दिव्य शक्ति को बोलना है कि मैं अपने सारे एनर्जीज़ को क्लेंस करने के लिए या पूरी तरीके से मैं आपको समर्पित कर देता हूँ, कर देती हूँ, आप मुझे इस पर्टिकुलर इंसान से यूनियन करवाए। सो वो क्लियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, हम परफेक्ट टाइमिंग जब आएगा सो चीज़ें ऑब्वियसली होगी। तब अभी हम मान सकते हैं कि आपकी परफेक्ट टाइमिंग पूरी तरीके से नहीं आई है, अनलाइकली का कार्ड दिखाता है, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा एंड फ्यूचर में सिचुएशन विल इम्प्रूव, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। यू आर रेडी फॉर दिस एंड येस यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन एंड यू नीड टू टेक एक्शन एंड डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, रोमांस आपके तरफ आ रहा है। अगर आप बिलीव करते हो तो एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। सो यही तक है आज की जनरल रीडिंग। कोई पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं। यस, देयर आर लव मैसेजेस। द पार्टनर इज टॉकिंग अबाउट यू टू अदर पीपल, इज थिंकिंग अबाउट यू, गेटिंग इमोशनल फॉर यू समवेयर। आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर द पर्सन आई चोज टू बी विथ। ओके, वो आपको अपना पर्सन मानते हैं। इन अ सी ऑफ पीपल माई आईज ऑलवेज सर्च यू, यू आर सो क्यूट, लेट मी किस यू। ठीक है, सो यही तक है आज का जो भी जनरल रीडिंग था। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आती है तो आप लोग मुझे ये कमेंट करके बता सकते हो, इससे मुझे थोड़ा थोड़ा इंस्पिरेशन और मिलता है, आई ऑल्सो फील गुड। एंड आप लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं हीलिंग सेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ। एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू वांट टू परचेज एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष, ब्रेसलेट्स, उसके लिए यू कैन कनेक्ट विद मी। एंड अगर आप लोगों को वैदिक वास्तु न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन करवाना है या फिर टैरो सीखना है, बिकॉज मैं टैरो सिखाती भी हूँ, तो उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।